कन्या राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए 1 से 7 मार्च तक का आपका पहला सप्ताह मार्च का कैसा रहेगा। तो ये आपका राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्च की। 1 मार्च को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में इनका गोचर आपके राशि स्थान में ही होगा, तो राशि स्थान में चंद्रमा के होने से आपको ये काफ़ी सारे विचार मन में देंगे, यानी मन में विचारों का तूफान सा उठ सकता है। मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से आपको शांति नहीं रहेगी। इस समय में आपका मन काफ़ी विचलित रहेगा, साथ ही साथ आपका जो मूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्विंग होने की दिक्कत आपको रहने वाली है। इस समय में हालांकि आप डिसीजन बहुत अच्छे लेंगे, बहुत सोच समझ कर लेंगे, पर कुछ डिसीजन आपके आपके मन से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इस समय में आपको चाहिए कि आप सोच समझ कर फैसले करें और जो भी फैसले आप करें वो सही साबित हों, ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए। पिछले कुछ समय से अगर आपने हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं को झेला है तो अब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। साथ ही चंद्रमा के आपके राशि स्थान में होने से आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद की जो गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश आप जरूर करेंगे। चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम हाउस को देखेंगे। सप्तम हाउस को देखने से आपके मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है तो वो दूर होगी। आपका पार्टनर आपका काफ़ी अच्छा सहयोग करेगा। साथ ही इस समय में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नई पार्टनरशिप का मौका बन सकता है। पार्टनरशिप में आपको फायदा हो सकता है, पर फायदा होगा या नहीं ये आपकी खुद की कुंडली पर ही डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपको अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने किसी अन्य सहयोगी के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ये समय में आप कोई भी अगर राइटिंग के फील्ड से जुड़े हैं या कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और इस समय में आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के 2 और 3 मार्च के ट्रांजिट की। 2 और 3 को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे तो आपके दूसरे स्थान में प्रवेश करेंगे। दूसरे स्थान में चंद्रमा के होने से परिवार का अच्छा सहयोग रहेगा, परिवार में आप काफ़ी मान सम्मान के साथ देखे जाएंगे। इसके अलावा आपको वाणी काफ़ी अच्छी रहेगी, वाणी से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अपने फैमिली के मेंबर्स से या किसी अन्य व्यक्ति से आपको कोई सहयोग प्राप्त करना है तो वो सहयोग आपको मिलेगा। इस समय में धन की वृद्धि हो सकती है और धन जो भी आप खर्चा करेंगे वो या तो अपने खान पान पर करेंगे, अपने फैमिली पर करेंगे या आप खुद पर कोई खर्चा इस समय में कर सकते हैं। तो ये समय कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय में अचानक धन प्राप्त हो सकता है। खान पान की आदतों में आप थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, तो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपको चाहिए कि आप अपने खान पान में काफ़ी कुछ बदलाव लाएं। साथ ही चंद्रमा यहाँ से आपके अष्टम स्थान को देखेंगे। अष्टम स्थान पर इनकी दृष्टि होने से आपका इंटरेस्ट अकल्ट के विषय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही कोई रिसर्च जैसा कार्य कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने की उम्मीद की जा सकती है। आपका नेचर थोड़ा सा सेक्रेटिव टाइप का रह सकता है, हो सकता है आप अपने मन की बात छुपा सकते हैं, किसी को अपने मन की बात ना बताएं, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ चंद्रमा के अष्टम हाउस को देखने से आपके लिए एक्सीडेंट होने का चांसेस बनेंगे और थोड़ी सी परेशानी हो सकती है किसी कार्य के बोझ को लेकर। तो इस समय में आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं या अन्य कोई जोखिम भरा अगर कार्य करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इस समय में आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है या तो आपको पिता से या आपके इन-लॉज से धन प्राप्त हो सकता है या आपको चल अचल संपत्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति का फायदा इस समय में मिलने वाला है। इस समय में आप अपने फेस को लेकर ज़्यादा चिंतित होंगे। साथ ही चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 4 और 5 को आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा के होने से आपके लाभ में वृद्धि होगी, आप काफ़ी मेहनत करेंगे। इस समय में छोटे भाई बहनों के साथ और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं। साथ ही आपके जो रिलेटिव होंगे वो भी आपको इस समय में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा के होने से आप किसी प्रकार के रिस्क भरे कार्य में नहीं जाएंगे,
आप रिस्क फ्री होकर कार्य करेंगे। मेहनत या थोड़ी सी भागदौड़ ज़्यादा बढ़ सकती है, पर फिर भी आप उन कार्यों में ही ज़्यादा रुचि लेंगे जो बहुत ज़्यादा जोखिम वाले ना हों और जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चंद्रमा यहाँ से आपके 9th हाउस को देखेंगे, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एजुकेशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। साथ ही भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा, पिता का अच्छा सहयोग मिल जाएगा, आपके गुरुजन आपका सहयोग करेंगे। साथ ही आपके गुरुजन या किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की जो सलाह है वो आपके लिए अच्छा कार्य कर सकती है। तो इस समय में आप किसी से सलाह लेकर कार्य कर सकते हैं। इस समय में यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं, आप दूर की यात्रा, फॉरेन ट्रेवल या किसी प्रकार के सैर सपाटे के लिए अपने परिवार वालों के साथ घूमने जा सकते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो अपने इष्ट का आप ध्यान करेंगे और किसी देवता की आप पूजा कर सकते हैं इस समय में, या किसी बहुत बड़े मंदिर या धार्मिक स्थल की सैर करने के लिए आप जा सकते हैं। इस समय में आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है अगर आपकी कुंडली में अन्य योग इसको सपोर्ट कर रहे हों। साथ ही साथ चंद्रमा का 3rd हाउस में होना आपकी जो क्रिएटिव स्किल है, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाएगा। इस समय में अगर आप मीडिया से जुड़े हैं या रीडिंग राइटिंग किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़े हैं तो काफ़ी फायदा आपको मिलने वाला है इस गोचर का। इसके साथ ही चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में एक बार फिर से काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा, इससे आपका घर के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। घर के जो सदस्य हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, विशेषकर आपकी माता जी का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस समय में आप भी अपने परिवार वालों का अच्छा सहयोग करेंगे। साथ ही आपका ध्यान घर से जुड़े हुए कार्यों के अलावा अपने जॉब पर भी रहेगा, तो आप जिस भी कार्य में हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा चिंता आपको अपने जॉब की रह सकती है। इस समय में जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, जो पहले से ही किसी जॉब में कार्यरत हैं उनको इस समय में प्रमोशन मिल सकता है। तो ये आपके लिए मान सम्मान बढ़ने का समय है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने का समय है, आपका बॉस आपका अच्छा सहयोग करेगा। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनको किसी अन्य कार्य की एक्स्ट्रा कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको आप आसानी से पूरा करेंगे, और इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतिम 2 दिन जो 6 और 7 के हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप घर पर ही रहकर कोई कार्य कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए और भी अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि परिवार का और अन्य लोगों का आपको अच्छा सहयोग मिल जाएगा, कोई सरकारी मदद भी मिल सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए इस वीक में जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 3, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा बैंगनी रंग। फिलहाल बस इतना ही।